क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। राहुल गांधी का भाजपा पर तंज, कहा हिंदू धर्म ओम शांति का संदेश देता है, बीजेपी अशांति पैदा कर रही। हिंदी दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं, कहा एकता के सूत्र में पिरोती है राजभाषा। मध्य प्रदेश के मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान, बोली मूर्ति पूजा के आस्था है तो मुसलमान गरबा में हो सकते हैं शामिल। बंगाल में भाजपा ने खोला मोर्चा, कोलकाता में बीजेपी का झंडा लिए लोगों ने पुलिसकर्मी पर बोला हमला, डंडे से पीटा। जयराम रमेश ने दी अध्यक्ष के चुनाव में सर्वसंपत्ति की दुहाई, बोले कायम रहे गांधी परिवार की प्रमुखता। सील हो चुके हुक्का बार में डांस, ये जुल्फे ये खुशबू, कयामत डांस पर थिरके धुआं उड़ा रहे टीनेजर। पति नहीं जल्लाद है, मेरठ में महिला की आप बीती रात भर टॉर्चर करता था, मैं पैर पकड़ती पर वह जानवरों की तरह पीटता। गाजीपुर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल, दो फरार, लूट का 16 लाख का सरिया बरामद। मासूम को खींचती ले गई कार, प्रयागराज में सड़क किनारे खेल रही थी, कार वाले ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाना भी जरूरी नहीं समझा। मुजफ्फरनगर में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल, चोरी के मामले में चल रहा था वांछित बदमाश से अवैध हथियार बरामद। यूक्रेन ने रूस से छुड़ाए अपने 3 शहर, 13 में से 6000 वर्ग किलोमीटर इलाका आजाद कराया, रूस के पावर ग्रिड किया तबाह। ब्रिटिश क्वीन के लिए उमराह करके मक्का पहुंच गया यमनी शख्स, मस्जिद के भीतर दिखाया बैनर, हुआ गिरफ्तार। लंदन लाया गया दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पार्थिव शरीर, श्रद्धांजलि के लिए उमड़े लोग। कनाडा के ओंटारिया में गोलीबारी, पुलिस ऑफिसर को बनाया गया निशाना, मौके पर ही मौत। विलियम रूतो ने केन्या के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, रेला ओडिगा को मामूली अंतर से हराया। दूसरे T20 मैच में भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को हराया, सीरीज एक एक में बराबरी पर मंधाना की नाबाद 49 रनों की पारी। श्रीलंका इंग्लैंड लीजेंड्स को 7 विकेट से हराया, टूर्नामेंट में श्रीलंका ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हारी बिनेश फोगाट, क्वालिफिकेशन राउंड में मंगोलाई रेसलर ने 7-0 से पटका। सिराज का काउंटी में यादगार डेब्यू, पहली पारी में झटके 5 विकेट, पाकिस्तानी ओपनर को भी पेविलियन भेजा। लौट आया 90 का दशक, फिर से दिखा सनत जयसूर्या का मैजिक, 3 रन देखकर 4 विकेट देखकर फैंस हो रहे गदगद। अकेले शॉपिंग करती दिखी इनाया, सोहा अली खान ने शेयर किया बेटी का क्यूट वीडियो, फैंस बोले ये होती है परवरिश। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में तुम तो ठहरे परदेसी गाने पर रणवीर सिंह ने अर्जुन कपूर के साथ किया जोरदार डांस। उर्वशी रतौला ने मांगी ऋषभ पंत से माफी, सरेआम हाथ जोड़कर बोली सीधी बात नो बकवास।
ऑर्गेनाइजर ने जुबिन को शो खालिस्तान सपोर्टर को बेचा, सिंगर के पिता बोले बेटा उसे नहीं जानता। जिया खान सुइसाइड केस में हाईकोर्ट का फैसला, दोबारा जांच के लिए मां राबिया खान ने याचिका को किया खारिज। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम।